खेती के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। देश के जिन हिस्सों में पानी की कमी है, सरकार अब वहां पर ड्रिप इरिगेशन पर फोकस कर रही है। एनर्जी बोट्स की इस टेक्नोलॉजी से किसानों को काफी मदद मिलेगी। एनर्जी बोट्स में लगे सेंसर से किसानों को पता चलेगा कि कहां पर कितना पानी चाहिए। देश के कई हिस्सों में खेती के लिए पानी की समस्या रहती है, लिहाजा सरकार अब ड्रिप इरिगेशन पर फोकस कर रही है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है फसल की जरूरत के मुताबिक उमस को देखना और बार बार पानी डालना। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये आसान हो सकता है। पानी की प्रॉब्लम है उसको कम करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैसे ये जो नुकसान है उसको कम किया जा सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी कितनी मददगार साबित हो सकती है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक एनर्जी बॉट्स है जिसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में कर सकते हैं, और ये बताएगा कि एनर्जी बोर्ड्स के जरिए आसानी से इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपके एक ही क्रॉप फील्ड में अलग अलग क्रॉप के लिए कितनी पानी की आपको जरूरत है, कहां पे पानी की कम जरूरत है, कहां पे पानी की ज्यादा जरूरत है। एनर्जी बोर्ड्स की ये टेक्नोलॉजी किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। एक ही खेत में अगर दो तीन तरह की फसल लगा रहे हैं तो एनर्जी बोर्ड्स में लगे सेंसर कहां कितना पानी चाहिए इसको रेगुलेट करेंगे। सॉइल में हम अपना एक सेंसर लगाएंगे और वो सेंसर के बेसिस पे अपने आप वो सॉइल की रीडिंग लेके कि कितना ह्यूमिडिटी है उस सॉइल में, अगर ह्यूमिडिटी जितनी चाहिए उतनी है तो पानी बंद हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम जैसे ही कम होता है तो पानी ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट होता है पानी और एक बार वो फिर वापस ह्यूमिडिटी लेवल पे पहुंचेगा तो पानी अपने आप बंद हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि जरूरत के मुताबिक पानी खर्च होने और अपने आप मोटर रेगुलेट होने से 30% पानी और करीब 40 से 45% बिजली की बचत होगी। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एनर्जी बॉट्स लगाने में करीब 50,000 रुपए का खर्च आएगा। उमस, बिजली का बिल, पानी का इस्तेमाल, खेत में किस फसल की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ऐप के जरिए आपको मोबाइल पर मिलती रहेगी। जैसे मैं ये निकालता हूँ, ये गीले पानी से मैं सूखे मिट्टी में जैसे ही डालता हूँ मैं, तो अपने आप देखेंगे कि पानी यहाँ पे चालू हो गया, और इसको अगर वापस मैं यहाँ पे डालता हूँ तो पानी बंद हो जाता है। आने वाले वक्त में पानी की किल्लत बढ़ सकती है, लिहाजा बाजार में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम शुरू हो गया है जिससे हवा से पानी जनरेट किया जा सके। जी हाँ, हैरान मत होइए, नई टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने घर में हवा से रोजाना 20 लीटर पानी जनरेट कर सकते हैं और उसे फिल्टर करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये टेक्निक से वो अपने घरों में पानी को रख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और पेरिनियल रूप से कंज्यूम कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ बॉटल टेक्नोलॉजी, दिस इज डायरेक्ट एक्सेस टू वाटर एट द सोर्स। इस टेक्नोलॉजी के लिए विक्रम सोलर ने वाटर जेन के साथ करार किया है। अलग अलग साइज की इस वाटर जनरेशन मशीन को आप घर, कंपनी, इंडस्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं। इस मशीन को सोलर एनर्जी से भी चलाया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक हाउस होल्ड साइज की कीमत आरओ की कीमत जितनी होगी। इसे अगले साल भारत में लॉन्च किया जाएगा। शहरीकरण में तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जोर भी पड़ा है। कई विदेशी कंपनियां देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश को उतावली हैं। स्काईवे टेक्नोलॉजीज भारत में कंक्रीट की जगह स्टील टेक्नोलॉजी के साथ आई है। एक तरह से ये हैंगिंग मेट्रो है जो स्टील रोप पर जमीन से 20 मीटर ऊपर होगी। कंपेयरिंग फॉर एग्जांपल विद ट्रेडिशनल ऑटो रोड्स, इट विल यूज मिनिमम कंक्रीट एंड मिनिमम स्टील एंड सपोर्ट्स विल बी too much more simple, too much more unique and compact. इसके ऊपर एक और मेट्रो होगी जिसका ट्रैक भी स्टील का होगा। कंपनी के मुताबिक इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होगा। मेट्रो किसी भी सूरत में गिर नहीं सकती। इसकी टेस्टिंग के लिए झारखंड सरकार के साथ करार हुआ है और पहले चरण में 10 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।